उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में 3 दिन पहले हुई 4 साल की मासूम मिष्टी की हत्या का राज खुल गया है। मासूम की हत्या तंत्र मंत्र के चक्कर में की गई। मामले में आरोपी महिला सावित्री और उसके रिश्ते के ससुर तांत्रिक गंगाराम को जेल भेजा गया। मिष्टी की हत्या का SSP अनुराग आर्या ने खुलासा किया है। इज्जत नगर पुलिस के मुताबिक बच्ची की हत्या अंधविश्वास की वजह से की गई। सावित्री के घर में उसके पति राधेश्याम देवर बाबूराम और ससुर डोरीलाल की आकस्मिक मौत हो गई थी। कुछ साल के अंतराल में 3 मौत होने से वो काफी परेशान थी। वो खुद बीमार रहती थी। सावित्री के 3 बच्चे उससे मतलब नहीं रखते थे। बेटियां ननिहाल में और बेटा बुआ के पास रहता था। इस दौरान रिश्ते का ससुर गंगाराम सावित्री के संपर्क में आया। वो झाड़ फूंक करता था। उसने दावा किया कि वो दिवाली पर विशेष पूजा करके उसके घर में सुख और शांति लाने का काम करेगा। कहा था कि किसी बच्ची को ले आओ, रात में तंत्र पूजा करके उसे छोड़ देंगे। ज्यादा देर घर में बंद रखने पर मिष्टी रोने लगी तो दोनों ने उसका गला दबा दिया। सावित्री मूल रूप से झारखंड की रहने वाली है। सावित्री ने बताया कि वो अवसाद की स्थिति में थी। सावित्री के बच्चे उससे बात नहीं करते थे, तब वो झाड़ फूंक करने वाले गंगाराम के चक्कर में फंस गई। हालांकि सावित्री ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन परिवार ने आरोप लगाया कि रात में ये लोग बच्ची की बलि देने की तैयारी कर रहे थे। बताया जा रहा है गंगाराम मिठाई लेकर आया और दोनों बच्ची को बहलाने लगे। 10-15 मिनट चुप रहने के बाद मिष्टी दोबारा रोने लगी। उसके बाद घर वाले आसपास घरों में उसकी तलाश कर रहे थे। सावित्री ने उन्हें दरवाजे से ही खुद बीमार होने का बहाना करके टरका दिया था। इस कारण उन्होंने उसकी हत्या कर दी। इधर परिजनों को सावित्री के घर न खोलने से उस पर पुख्ता शक हो गया, जो उन्होंने पुलिस को बता दिया। आरोपी तांत्रिक गंगाराम 2012 में रेलवे के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी पद से रिटायर हो चुका था। वो झाड़ फूक पहले से करता आ रहा है। गंगाराम की हरकतों से परेशान होकर उसके बेटे गांव के दूसरे छोर पर घर बनाकर रहने लगे। उसकी पत्नी की काफी पहले मौत हो चुकी थी। उसने फूलन देवी नाम की महिला से शादी कर ली थी। मिष्टी की हत्या के बाद वो फरार हो गया और खेतों में जाकर छिप गया था। गंगाराम ने सावित्री को बताया था कि पूजा भले ही रात में होगी, पर दिन में ही बच्ची को कब्जे में लेकर पूजन के लिए तैयारी कर लो। इसलिए सावित्री ने दोपहर 1 बजे करीब मिष्टी से कुछ देर बात की। कहा कि चलो तुम्हें घर पर टॉफी और सोया खिलाऊंगी। मिष्टी ताई के साथ चली गई। करीब 1 घंटे तक मिष्टी उसके घर खेलती रही, लेकिन बाद में घर पर माँ के पास जाने की जिद करने लगी। पुलिस ने सावित्री के घर से तंत्र मंत्र का सामान, मिष्टी की चप्पल, कड़े आदि बरामद कर लिए। 1 लाल चुनरी, 1 रोली का पैकेट, हवन सामग्री, कुमकुम, कपूर, 4 छोटी चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी, काजल की डिब्बी, 5 सुपारी, 1 माचिस की डिब्बी, 2 जायफल, 1 तांबे का लोटा, मिट्टी का दिया, लॉकेट वाली माला, 1 स्टील की प्लेट और 1 तेल की सीसी बरामद की। SSP अनुराग आर्या के मुताबिक सावित्री और गंगाराम ने तंत्र विधा करने के लिए बच्ची को घर में बंद किया था। परिजनों और पुलिस की सक्रियता की वजह से वो घबरा गए थे, तो इन्होंने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों को जेल भेजा गया है। उन्हें अधिकतम सजा दिलाने के लिए पुलिस पैरवी करेगी। दिनांक 26 अक्टूबर 2024 को थाना इज्जत नगर अंतर्गत एक 4 वर्षीय बालिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। रिपोर्ट दर्ज होते ही थाने स्तर पर 3 टीमों का गठन किया गया। इन तीन टीमों द्वारा सघन सर्च अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के अंतर्गत जो बालिका का घर है उसी से सटे हुए सावित्री नाम की महिला के घर में कोने में एक प्लास्टिक के बैग में इस बालिका का शव बरामद हुआ। शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस मुकदमे में परिजनों द्वारा 3 लोगों को नामजद किया गया था। उन 3 में से 2 लोगों को, गंगाराम व सावित्री, इन दोनों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। पूछताछ के दौरान यह सामने आया कि गंगाराम ने सावित्री को एक तंत्र मंत्र की प्रक्रिया के लिए प्रेरित किया था, जिसमें एक छोटी बालिका के बुलाने के लिए उसने कहा था। इन्होंने पड़ोस में रहने वाली इस बालिका को बुलाया और बालिका जब जाने की जिद करने लग गई और आसपास के लोग ढूंढने लग गए, तो अपने आप को बचाने के लिए इन लोगों ने इस बालिका का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। इस प्रकरण में आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है।